खरगोन जिले के दुरुस्त महाराष्ट्र की सीमावर्ती सिविल परीक्षा केंद्र पर नकल कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद अब प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 22 शिक्षकों पर गाज गिराई है। केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष सहित 17 शिक्षकों को निलंबित किया है, वहीं 5 अतिथि संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देश पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने आदेश जारी किए हैं। संभवतः मध्य प्रदेश में पहली बार नकल पर नकेल कसने को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है। दरअसल कलेक्टर वर्मा को सूचना मिली थी कि सिरवेल परीक्षा केंद्र पर नकल कराई जाती है। 7 मार्च को कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर के दौरान कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देश पर SDM ओम नारायण सिंह बड़कुल की अगुवाई में प्रशासन की संयुक्त टीम ने नकल रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 9 लोगों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही की थी। SDM ओम नारायण सिंह बड़कुल ने मीडिया को बताया कि कलेक्टर महोदय के निर्देश पर सिरवेल परीक्षा केंद्र पर कार्यवाही के दौरान नकल कराने वाले रैकेट को पकड़ा था। आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पर परीक्षा केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष सहित 17 शिक्षकों को निलंबित किया गया, वहीं 5 संविदा अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। वालों का रैकेट पकड़ा था सर, अब आज बड़ी कार्रवाई की है, कुछ गाज गिराई है शिक्षकों पे, 22 पे कार्रवाई हुई, क्या काम कहना चाहिए? हाँ, माननीय कलेक्टर महोदय की इन्फॉर्मेशन और सूचना पे, उनके आदेश पे एक सिरवेल के इंटीग्रल में जहाँ पर शेडो एरिया है वहाँ पर एक व्यवस्थित तरीके से कलेक्टर महोदय ने सिविल में अन्य गाड़ियों के माध्यम से गोपनीय रूप से भी अभियान चलाया था, और इसमें वहाँ पर एक स्कूल के पास में एक बहुत बड़ा रैकेट है, इसमें 9 लोग सम्मिलित थे। 8 उसमें शिक्षक लोग थे और 1 महाराष्ट्र का व्यक्ति था। वो पूरे लोगों को विथ आइडेंटिटी मतलब नकल के उसमें मोबाइल कैमरे में पेपर कार्बन पेपरों में लिखित है और कुंजी की के फटे हुए पे मतलब पूरा एक रैकेट था, सिस्टमेटिक तरीके से व्यापक रूप से वो कार्य कर रहा था वहाँ पर, तो उसको पकड़ा गया था। और उसी के संदर्भ में कलेक्टर पहले तो हमने FIR करी कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार, फिर कलेक्टर महोदय के द्वारा जब हमने रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसके आधार पर उन्होंने अभी सस्पेंड की तुरंत कार्रवाई कर दी है। कितने लोग उसमें? 17 शिक्षकों की कार्रवाई करी है जो रैकेट में शामिल थे वो, और जो वह केंद्र में थे जिनका मुख्य दायित्व था परीक्षा को सुव्यवस्थित रूप से संचालन करना, परीक्षा संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसका सुपरविज़न का काम था, उन लोगों ने भी उस चीज़ को छुपाया और वहाँ पर मतलब ट्रांजेक्शन आने जाने का हो रहा था। सेवा समाप्त हटाए कितने? उसमें अतिथि शिक्षक है 5 लोग जिनकी सेवा समाप्ति के संदर्भ में भी कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित किया गया है। किस प्रकार सर इसमें जाँच की जा रही है? अब एक तो पुलिस में FIR दर्ज है, उसमें बहुत सारे सबूत हमको मिले हुए हैं। एक वाहन मिला हमको और महाराष्ट्र का व्यक्ति मिला है, उसके साथ पेन है लिखे, उनकी खुद के रिटर्न में लिखे हुए सॉल्व किए हुए कार्बन लगे हुए पेपर कॉपी है, सॉल्विंग करने की बहुत सारी डायरियां हैं, गाइड के हैं 15-20 गाइड के एक ही सामाजिक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।